दोस्तों स्पॉट ब्रश टूल के बाद अब हम जिस हीलिंग टूल को स्टडी करने लगे हैं वो है हीलिंग ब्रश टूल। दोस्तों स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल का काम तकरीबन एक जैसा ही है। दोनों टूल्स इमेजेस को क्लीन और एडिट करने के काम आते हैं, लेकिन हीलिंग ब्रश टूल की कुछ अपनी खसूसियात हैं जिनको हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। दोस्तों आप लोगों के घरों में कुछ ऐसे इमेजेस होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के या कुछ ओल्ड पीपल के जो पड़े पड़े ख़राब हो चुके होंगे, उनके ऊपर कुछ अजीब से आर्टिफैक्ट्स और कुछ स्पॉट्स पड़ चुके होंगे। ऐसा ही एक इमेज इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे अपने सामने देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह के किसी भी इमेज को रीस्टोर करने के लिए और इसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए हम लोग फोटोशॉप में हीलिंग ब्रश टूल जैसे टूल का सहारा लेते हैं। तो चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से इस इमेज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इमेज आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फोटोशॉप में मैंने इस इमेज को ड्रैग कर लिया हुआ है। अच्छा, जो हीलिंग ब्रश टूल है उसकी शॉट की भी बिल्कुल सेम है जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की थी। ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बिल्कुल नीचे हमारे पास अवेलेबल है जी हीलिंग ब्रश टूल, और इसकी शॉट की भी जे है। आप जैसे जे प्रेस करेंगे आप हीलिंग ब्रश टूल में पहुँच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब अगर सब मेन्यू में आके यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एक तो बिल्कुल सेम वही ऑप्शन है हमारे पास जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में थी। यहाँ से हम इसका साइज जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और स्पेसिंग को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमारे पास वो कुछ मोड हैं, लेयर स्टाइल्स हैं। इसके बाद इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, दोस्तों यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो लिखा हुआ है करंट लेयर, करंट एंड बिलो और ऑल लेयर्स। अगर मैं यहाँ से आके एक न्यू लेयर लूँ और यहाँ से मैं ऑल लेयर्स की ऑप्शन को क्लिक कर दूँ, तो इसका मतलब है कि इस लेयर के ऊपर जब मैं हीलिंग ब्रश टूल से काम करूँगा वो ओवरऑल तमाम लेयर्स के ऊपर नज़र आएगा। लिहाजा मैं यहाँ पर ऑल लेयर्स की ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको जूम करके हीलिंग ब्रश टूल जो है उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमने हीलिंग ब्रश टूल लिया। दोस्तों एक जो थोड़ी सी चीज़ स्पॉट हीलिंग में और हीलिंग में डिफरेंट है इसके यूजेज के हवाले से वो ये है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में तो हम सीधा आके स्ट्रेट यहाँ पे क्लिक कर देते थे, लेकिन आपने देखा यहाँ पे अगर मैं स्पॉट हीलिंग की तरह आके क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक एरर दे देता है फोटोशॉप। लिहाजा इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। दोस्तों आपने करना क्या है, हीलिंग ब्रश टूल के लिए आपने कहीं से भी करीब तरीन एरिया से, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से इस इमेज को क्लीन करना शुरू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ करीब तरीन एरिया से ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रश ने उस जगह को कॉपी कर लिया। ठीक है जी, अब मैं आके यहाँ पे हल्का सा इसको अगर फेरता हूँ तो ये देखें मेरा वो जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। ये देखें मैं बार बार, ये मैंने बेसिकली सोर्स लिया है और आप भी इसी तरह से सोर्स लेते जाएंगे जिस तरह से मैं ले रहा हूँ, और आप हीलिंग ब्रश टूल की मदद से इमेज को क्लीन करते जाएंगे। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपका जो इमेज है वो बिल्कुल नीट क्लीन होना शुरू हो गया है, ये देख लें। अच्छा, इस हीलिंग ब्रश टूल में बेसिकली आपको ये तो पता चल गया कि ये एक जगह से कॉपी करता है और दूसरी जगह पे पेस्ट कर देता है, और उसके लिए हमें ऑल्ट होल्ड करके रखना पड़ेगा और वहाँ से हम पहले यहाँ से एक जगह से क्लिक करके उसको पिक करेंगे एरिया को, पिक्सल्स को, और यहाँ पे आके या जहाँ पे भी जाके हम करना चाहते हैं उधर हम उनको कॉपी कर देंगे। अच्छा, एक मैं इसमें मज़े की बात आपको बताऊँ, अब आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर डार्क है और यहाँ पर लाइट है। ये हीलिंग ब्रश टूल की खासियत ये है कि अगर मैं यहाँ से डार्क वाले एरिया से भी पिक करके पिक्सल्स को यहाँ पे लाइट वाले एरिया में लगाऊं तो आपने देखा कि ये डार्क्स को यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा, यहाँ पे लाइट जो है वो बिल्कुल भी इमेज की ख़राब नहीं हुई। तो ये बेसिकली इसकी हीलिंग ब्रश टूल की ख़ास बात है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से आके पिक किया और यहाँ पर आके लगाया, बट एक्चुअली आपने करना यही है कि आप जब हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर रहे होंगे तो आपने जो करीब तरीन एरियाज़ होंगे, यानी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ
यहाँ से पिक करके पिक्सल्स करीब करीब एरिया से आपने पिक्सल्स को पिक करते जाना है और यहाँ पे आके आपने लगाते जाना है। ये देखें, अगर यहाँ से कुछ थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अगर कलर्स या लाइट का थोड़ा सा गड़बड़ हो, प्रॉब्लम हो, तो आपने उसको फौरन अनडू करके उसको आपने जो है वो दोबारा करना है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने है कि इमेज आपका जो है वो बहुत खूबसूरती से और बड़ी आसानी से क्लीन होता जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का हमने जो ख्याल रखना है वो ये है कि अभी मैं पिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लंबा ड्रैग नहीं करना, यानी ये पूरा लंबा नहीं ड्रैग करना। आपने कोशिश करनी है कि जो छोटे छोटे आपने एरिया से, करीब करीब के एरिया से पिक करते जाना है और थोड़ा थोड़ा आपने ड्रैग करते जाना है, ताकि ये जो आपका मसला है ये बड़ी आसानी से हल हो जाए। अदरवाइज़ फिर वो आपके जो इमेज है उसकी जो लाइट है वो डिस्टर्ब होने का थोड़ा सा खतरा रहेगा। अच्छा, अब ये जो एरिया है ये हम आगे चल के एक और टूल है उसकी मदद से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये फ़िलहाल आपको, ये जो आपके पास हीलिंग ब्रश टूल है इसके मदद से हम इसको नहीं करेंगे, हम आगे चल के एक और टूल पढ़ेंगे जिसके मदद से हम ये जो एरियाज, जिस तरह से अभी मैं इधर अगर इसको करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वाइट आ रहा है। ये जो वाइट आ रहा है ये यहाँ से लाइट बेसिकली यहाँ पे कॉपी हो रही है। ये हम हीलिंग ब्रश टूल की मदद से नहीं करेंगे, ये हम एक और टूल है उसकी मदद से आगे चल के इसको ठीक करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ ताकि ये देखें हम करीब करीब के एरियाज से पिक करते जा रहे हैं और उसको नीट करते जा रहे हैं। ले जी, ये आपका इमेज जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो नीट क्लीन हो गया ऊपर से। अगर मैं इस लेयर को अब ऑफ करके दिखाऊं और फिर ऑन करके दिखाऊं तो ये देखें आपको बिल्कुल क्लियर आपके सामने कि कितनी आसानी से हमने इस इमेज को जो है वो बहुत हद तक साफ कर लिया, नीट क्लीन कर लिया हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। कुछ अभी इसमें चीज़ें रह गई हैं वो हम आगे चल के किसी और में कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। बाकी ये आपने सीखा कि हमने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कितनी आसानी से इमेज को नीट एंड क्लीन कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कितने आराम से, कितने मज़े से अपने इमेज को नीट क्लीन कर लिया और जो पुरानी तस्वीर ख़राब हो चुकी थी उसको हमने रीस्टोर कर लिया। तो इस तरह से आप हीलिंग ब्रश टूल की मदद से अगर अपने, आपके घर में कोई ऐसी पुरानी पिक्चर पड़ी हुई है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की या कोई भी, उसको आप बड़े आराम से रीस्टोर कर सकते हैं। जस्ट उसको स्कैन करें, फोटोशॉप में ओपन करें और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से उसमें जो भी आर्टिफैक्ट्स आ चुके हैं वो आप ख़त्म कर सकते हैं। आने वाले लेसन में हम एक और हीलिंग ब्रश टूल से मिलते जुलते टूल के बारे में बात करेंगे। तो अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ इस टूल की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।